space. Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Pet Vision. This is Sahil Malik, your host and your vet. तो गाइस आज मैं आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कौन सी ब्रीड के बारे में बताने वाला हूँ, JSD, द जर्मन शेफर्ड डॉग। गाइस ये ब्रीड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, एग्रेसिव, एज ए गार्ड यूज होने वाली ब्रीड है ये, और इसकी क्वालिटीज मैं आपको क्या क्या बताऊं। लेकिन क्वालिटीज की बात करने से पहले आप कुछ बेसिक्स डॉग के बारे में जान लो, JSD के बारे में जान लो, यानी जर्मन शेफर्ड डॉग का कॉमन ओरिजिन क्या है, ट्रेड्स क्या है, कुछ कुछ क्वालिटीज क्या है, किन किन कामों में इसका यूज किया जाता है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेड्स दिख रहे हैं, आपको पहले नॉर्मल जर्मन शेफर्ड के बारे में बताते हैं। तो जर्मन शेफर्ड ब्रीड जो है गाइस, जर्मन शेफर्ड का ओरिजिन जर्मनी में हुआ है, लेकिन इसको यूके के अंदर अलग अलग जगह के अंदर कुछ कुछ नामों में अलग अलग नाम से बोला जाता है। इसके निकनेम भी अलग अलग होते हैं जो अभी आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पे दिखेंगे। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके कलर की। तो गाइस कितने कलर में आता है ये क्वेश्चन मोस्ट रहता है, एंड कलर की बात करें सबसे पहला कलर होता है थोड़ा सा ब्राउनिश एंड उसके अंदर ब्लैक पैचेस पाए जाते हैं। एंड सेकंड कलर की अगर मैं बात करूं तो वो होता है बिल्कुल जेट ब्लैक, यानी ब्लैक कलर का जर्मन शेफर्ड गाइस आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, कितना अट्रैक्टिव, कितना एग्रेसिव टाइप लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद है ब्लैक, बिकॉज आई ब्लैक लवर। तो गाइस सेकंड बात करते हैं उसके अनदर कलर की। अनदर कलर कौन सा है, व्हाइट कलर गाइस। आजकल बहुत लोगों की डिमांड होती है व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर में जर्मन शेफर्ड देखो आप कितना स्वीट लग रहा है एंड कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, यानी कोई बाहर से अगर देखने वाला भी आएगा तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही जर्मन शेफर्ड व्हाइट कलर का फैन हो जाएगा। तो गाइस आप देखिए जर्मन शेफर्ड के बारे में कुछ नीचे फोटो आई होगी, फोटो में आप देखें क्या क्या लिखा हुआ है, उसे ऑब्जर्व करें। जो जर्मन शेफर्ड ब्रीड है इज ए ब्रीड ऑफ मीडियम टू लार्ज साइज डॉग, यानी ये साइज में वेरी करेगी, मीडियम से लार्ज साइज होगी, और इसका जो ओरिजिन है वो जर्मनी में हुआ है, इसलिए इसका नाम जर्मन शेफर्ड पड़ा है। लेकिन जर्मन में उसे ड्यूस्चर शेफरेंड के नाम से भी बुलाते थे। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, द ब्रीड ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नेम इज जर्मन शेफर्ड डॉग, जिसे कॉमन नेम हम JSD भी बोल देते हैं। द ब्रीड वॉज ऑफिशियली नोन एज द एल्सेटाइंस, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, यूके के अंदर एल्सेटाइंस के नाम से इसे जाना जाता था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1977 में, तब इसे एल्सेटाइंस बोलते थे, लेकिन अब आपको पता है JSD या जर्मन शेफर्ड डॉग बोला जाता है। डिस्पाइट इट्स प्रिमिटिव, इसके पहले की बात करने से पहले, क्योंकि ये जंगली कुत्ते जो होते हैं या जो जंगली भेड़िए होते हैं उनके जैसे इसकी लुक है, आप फोटो में देख ही रहे होंगे। तो गाइस वोल्फ लाइक अपीयरेंस होती है, और द जर्मन शेफर्ड इज ए रिलेटिवली मॉडर्न ब्रीड ऑफ डॉग, यानी आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग उसे घर में एज ए गार्ड यूज़ करते हैं, विद देयर ओरिजिन डेटिंग टू 1899। अब गाइस जो जर्मन शेफर्ड का ओरिजिन है 1899 में हुआ था। लेते हैं वीडियो की सेकंड फोटोग्राफ्स के बारे में, यानी जो ट्रेड्स बता रही है आपको जर्मन शेफर्ड ब्रीड के बारे में कि क्या क्या ट्रेड्स हैं, क्या क्या ट्रेड्स यूज हो रहे हैं एज ए जर्मन शेफर्ड में, यानी उसकी वेट, हाइट, लीटर साइज, लाइफ स्पैन सब कुछ इंक्लूडेड है इस चार्ट के अंदर। आप देखिए ट्रेड्स हो चुके हैं। ट्रेड्स के बाद हम बात करते हैं अनदर टॉपिक की, यानी इसका बिहेवियर, इसकी इंटेलिजिबिलिटी, यानी हम जो इसे ट्रेन करेंगे कितने जल्दी से वो सीखता है, वो सब आपको इस वीडियो में दिखेगा। गाइस जर्मन शेफर्ड एक ऐसी ब्रीड है जिसको जितना सिखाओ उतना ही उसके लिए कम है, यानी अगर आप उसे कहोगे कि डांसिंग करवाओगे तो वो डांस भी करेगा, अगर कुछ मूवमेंट सिखाओगे, कुछ ट्रिक्स सिखाओगे, यानी आप पेडिग्री की ट्रीट से उससे प्रैक्टिस करवाओगे, हैंड शेक एंड पिकअप समथिंग लाइक ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज करोगे इंग्लिश वर्ड, देन वो काफी ज्यादा उसे लर्न कर पाता है। गाइस आप हिंदी वर्ड्स का यूज कम करें, बिकॉज ये ब्रीड वैसे ही जर्मन ब्रीड है, यानी जर्मनी से इसका ओरिजिन है। तो गाइस आप पहले ही थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करें, लाइक हेलो, शेक हैंड,
अदरवाइज ऐसे ऐसे अलग अलग काफी ज्यादा पॉइंट होते हैं। हिंदी वर्ड इनको समझने में काफी ज्यादा टाइम लगता है एंड मुश्किल भी होता है, और गाइस इंग्लिश में बोलोगे काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड स्वीट लगता है और आपका टोन काफी ओपन करता है। तो गाइस अभी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है लैब्राडोर नहीं जर्मन शेफर्ड के बारे में, वो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना। मैं कुछ ट्रेट्स भी दिखा रहा हूँ आपको, फोटोग्राफ्स भी दिखा रहा हूँ, और आपकी कुछ मिथ्स होते हैं गाइस। कोई कहता है कि जर्मन शेफर्ड ऐसे है आपको खुद को काट लेगा, इतना एग्रेसिव होता है, आप मत पालो। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, आप जर्मन शेफर्ड को एज ए गार्ड आप यूज करो। जर्मन शेफर्ड काफी ज्यादा लॉयल ब्रीड है, आपके प्रति आप अपने लव को शो करेगी एंड आप भी अपने लव को उसके उसके प्रति शो करोगे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि काफी ज्यादा ब्रीडर्स होते हैं जो फेक जर्मन शेफर्ड आपको दे देते हैं। तो काफी ज्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं इस बात पे कि सर हमने तो जो इस फोटोग्राफ्स में दिख रहा है ऐसा डॉग चाहिए था लेकिन हमें उस ब्रीडर ने पकड़ा दिया ये। तो गाइस अब मैं तीन कोट बताऊंगा, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लो, अपने दिमाग में फिट कर लो। तो गाइस तीन कोट आते हैं जर्मन शेफर्ड के। एक होता है सिंगल कोट, यानी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सिंगल कोट कैसा होता है। फिर उसके बाद आएगा मिडल कोट, मिडल कोट भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड लास्ट आता है द डबल कोट, यानी मोस्ट एग्रेसिव और काफी ज्यादा लुक में डेंजरस दिखने वाला है लॉन्ग कोट। सभी लोगों की यही होती है डिमांड कि हमें तो लॉन्ग कोट ही चाहिए, लेकिन आप किसी ब्रीडर से लेने जाते हो अगर को वो फ्रॉड निकला तो आपको वो डबल कोट का कह के सिंगल कोट या मीडियम कोट पकड़ा देगा। एंड देन बाद में आप ऐसे हेड पे हाथ रख के बैठ जाओगे कि हमें तो ये चीज मिल गई। तो गाइस आपको जर्मन शेफर्ड के बारे में ये इम्पोर्टेंट नॉलेज होनी जरूरी है। मैं जर्मन शेफर्ड ही नहीं कहता, अगर आप कोई भी ब्रीड लेने जाओ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके बारे में कंफर्म कर लें, आप कुछ नॉलेज गेन कर लें अपने सराउंडिंग से नेबर से एंड हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो गाइस हमने एक ब्रीडिंग प्लान भी बनाया है, यानी हम कैसे ब्रीडिंग करवाते हैं। वी हैव ऑल द स्टड, हमारे पास स्टड भी होंगे एंड हमारे पास वैक्सीनेशन शेड्यूल्ड होगा, डिवॉर्मिंग शेड्यूल्ड होगा, मैनी मैनी पपीज होंगे, अलग अलग ब्रीड होगी। अगर आपको किसी को कोई भी डॉग ब्रीड चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रॉपर प्राइस पे एंड वेरी लो प्राइस पे चीप प्राइस पे मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो गाइस आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, और जो जो मिथ्स थे आपके एज ए जर्मन शेफर्ड को लेके वो दूर हो गए होंगे। तो गाइस इतना याद रखना, किसी भी ब्रीड किसी भी डॉग के साथ अगर आप जैसा बिहेव करोगे वो आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देगा। एंड आज की वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। क्या है?